नमस्ते दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि YouTube पे वीडियो डालने से इनकम होती है और आप लोगों के सहयोग से थोड़ी इनकम मुझे भी हो रही है, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये इनकम आप लोगों के सहयोग से हो रही है तो आपकी ही है। मैं इस इनकम को आप लोगों को रिटर्न करना चाहता हूं। आज का वीडियो टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों अक्सर आपको पता है कि जब भी मेरे पास समय होता है मैं गांव देहात में चला जाता हूं और वहां पे कुछ बुज़ुर्गों को, कुछ किसानों को इकट्ठा करके और उनको अपने देसी फार्मूले, जितना मुझे पता है अपने हरियाणा के, भारत के जो देसी घरेलू फार्मूले हैं, मैं उनको अरदान प्रदान करता रहता हूँ। कुछ उनसे लेता हूँ, कुछ उनको दे देता हूँ। तो पिछले दिनों मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो मीटिंग में हुआ क्या कि एक किसान ने मुझसे कोई सवाल किया, उसके पशु को कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसने मेरे को सवाल किया और मैं उसका जवाब देने ही वाला था कि मेरे से पहले वहाँ पे और किसान थे। तो एक किसान खड़ा हुआ और उसने कहा, अरे भाई तेरी पशु के जो ये प्रॉब्लम है ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, पिछले वर्ष मेरे पशु को भी ये समस्या हो गई थी, इसके लिए मैंने फलाना पेड़ लिया और उसके पत्ते कूट के ग्राइंड करके दे दिए। और वो पेड़ पता है आपको कौन सा था? वो पेड़ था अशोका का पेड़। मैं अचंभित रह गया क्योंकि मैंने तो कभी अशोका के पेड़ के बारे में अभी तक किसानों को बताया ही नहीं। मुझे लगा कि अब भी किसानों के पास हजारों लाखों फार्मूले हैं जिनके बारे में अन्य किसानों को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। मुझे वहीं से एक विचार आया कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन समय का अभाव है। क्योंकि कुछ समय पहले तो मैं फ्री था, गांव में चला जाता था, लोगों से फार्मूले कलेक्ट कर लेता था और फार्मूलों को अपना के देखना पड़ता है। एक फार्मूला बनाने के लिए कम से कम एक साल लग जाता है, तो अब करें क्या। लेकिन फिर मुझे एक विचार आया कि आप लोगों की मदद ली जाए, आप लोगों की मदद से हजारों फार्मूले हम और नए नए खोज कर सकते हैं। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। दोस्तों देखिए, जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते समय हमारे जो टीचर थे ना, वो समय समय पे प्रतियोगिता करवाते थे, कंपटीशन करवाते थे। उन कंपटीशन में बच्चे बड़े ही उत्साहित होकर भाग लेते थे और जो फर्स्ट बच्चा आता था उसको इनाम भी मिलता था और इनाम के साथ साथ उसको सम्मान भी मिलता था। तो वैसे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो इनाम और सम्मान मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं कक्षा में, स्कूल में सबसे नालायक बच्चा था, पढ़ाई के मामले में मैं सबसे नालायक था। लेकिन वो विचार मेरे मन में, मेरे दिमाग में आ गया कि किसानों के साथ मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप लोगों के पास हजारों लाखों फार्मूले हैं, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आप वो फार्मूले कहाँ पे, किसको, कैसे बताएं? इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी फार्मूले पता है ना, उन फार्मूलों को आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में डालने से होगा क्या कि वो फार्मूले अन्य किसान लोग भी पढ़ेंगे और उन फार्मूलों को किसान लाइक करेंगे। जिस किसान के फार्मूले पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगी ना, उसको मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट दूंगा मात्र 1100 रुपये का। देखिए दोस्तों, वैसे तो मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं आप लोगों को गिफ्ट दे सकूं, लेकिन बस ये एक मनोबल बढ़ाने की बात है, आपका उत्साह बढ़ाने की बात है, ताकि हमारी विलुप्त होती भारतीय प्राचीन जो घरेलू चिकित्सा है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो विलुप्ति की कगार पर आज खड़े हैं, इनके साथ आपका अटैचमेंट किया जाए, आप इनको लेके जागरूक हो जाएं, इन फार्मूलों को आप अपने पशुओं पे उपयोग करें, ये पेड़ पौधे भी बच जाएं और आपका कीमती पैसा भी बच जाए। तो दोस्तों आज का फार्मूला है, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपके पास पशुओं का दूध बढ़ाने का कोई भी फार्मूला है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। उस कॉमेंट्स बॉक्स में हजारों किसान इन फार्मूलों को पढ़ेंगे और जिसका फार्मूला अच्छा होगा उसको लाइक मिलते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा जिसको लाइक मिलेंगे उसके बारे में आज से 7 दिन के बाद हम फिर एक वीडियो डालेंगे। उस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से किसान ने ये इनाम जीता है 1100 रुपये का।
उसका जो हम इनाम है जो ट्रांसफ़र करेंगे गूगल पे फोन पे वगैरह कुछ भी कर देंगे पेटीएम कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे, उस किसान का नाम दिखाएंगे, उसका कौन सा गांव है, कौन से ज़िले से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, सारा आपको दिखाएंगे। तो इसमें आप लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं होने पाएगी, क्योंकि लाइक तो किसान ने किसान के फार्मूले को करना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का इसमें ध्यान रखना है, फार्मूला आप लोगों को वही बताना है जिसके ऊपर आपने या तो स्टडी की हो या आपने उसको उपयोग करके देखा हो। 100% कारगर फार्मूला होना चाहिए, किसानों के साथ किसी भी तरह की कोई भी धोखाधड़ी या चालबाजी नहीं चलेगी। अगर मुझे लगा कि इस फार्मूले में किसी भी तरह का फ़ायदा होना मुश्किल है या कोई जहरीली औषधि है तो मैं उस फार्मूले को टैग कर दूंगा ताकि बाकी किसान उस फार्मूले का उपयोग ना कर सके। तो ऐसा करने से क्या आप लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मुझे जो अर्निंग इनकम हो रही है वो आप लोगों की वजह से है। और आज हमने सिर्फ एक ट्रायल के रूप में 1100 रुपये का फर्स्ट इनाम रखा है। जैसे जैसे आप लोगों के विचार हमें मिलते रहेंगे, आप लोगों की अगर थिंकिंग पॉजिटिव रही तो इस फार्मूले को बताने की ये प्रक्रिया हम आगे तक ले जाएंगे और इनाम को बढ़ाते हुए 1100 से बढ़ाते हुए हम लाखों में ले जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आप लोग भी जागरूक हो जाएंगे और मेरी जो मुहिम है इन पेड़ पौधों को बचाने की, गौ माता को बचाने की, किसान को इनकम के सोर्स बढ़ाने की जो एक मेरी छोटी सी मुहिम है वो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाई, जितने भी किसान भाई छोटे छोटे फार्मूले जानते हैं, वो फार्मूले एक किसान से दूसरे किसान के पास आए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास आपके, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास आपके हजारों लाखों फार्मूले हैं जिनके ऊपर मैंने कोई कार्य नहीं किया, बस मैंने तो उनका उपयोग करके देखा है। लेकिन आप लोगों ने मुझे हजारों फार्मूले दिए हैं और अभी आप लोगों के पास लाखों करोड़ों फार्मूले हैं। दोस्तों हिंदुस्तान गांवों का देश है और गांवों में पशुपालन होता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 6,30,000 के करीब गाँव हैं। अगर एक गांव से एक फार्मूला भी हमें मिल गया तो हमारे पास 6,30,000 फार्मूले हो जाएंगे। और आप सोच के चलिए जब हमारे पास इतने फार्मूले हो जाएंगे तो क्या कभी हमारे पशु बीमार होंगे, क्या कभी हमें अपने पशुओं के लिए केमिकल उपयोग करना पड़ेगा, क्या हमारे पैसे नहीं बचेंगे, क्या जो हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई है वो हमें नहीं मिलेगी, क्या पशुपालन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और आप लोगों को तो पता है कि किसान के लिए सबसे अच्छा आज के समय का सबसे सर्वप्रिय कोई भी बिजनेस है तो वो है पशुपालन, क्योंकि पशुपालन किसान अपने घर में कर सकता है, किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी का कुछ भी नहीं करना, पशु लेके आएंगे, उसको अच्छे से खिलाएंगे, बीमार होने नहीं देंगे, अच्छे से उसका लालन पालन करेंगे तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान भाई धीरे 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 उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।